तो गाइज अभी सैमसंग की ओर से एक के बाद एक कई स्मार्टफोन्स मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे हम बात करें सैमसंग की ए सीरीज के स्मार्टफोन्स की या फिर गैलेक्सी एम सीरीज या एफ सीरीज के स्मार्टफोन्स की। आने वाले दिनों में काफी सारे स्मार्टफोन्स सैमसंग की ओर से देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अभी एफ सीरीज के एक काफी कमाल के स्मार्टफोन गैलेक्सी F62 को फ्लिपकार्ट ने टीज किया है, जहाँ से इसकी काफी सारी डिटेल्स कन्फर्म हो जाती है। और अब यह नेक्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यह एक काफी अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, साथ ही बात करने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो स्वागत आपका केडी सिरेटेक पे। सभी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। तो अभी गैलेक्सी F62 की फ्लिपकार्ट ने कुछ इमेजेस रिवील की हैं, जहां से यह स्मार्टफोन रियर में स्क्वायर शेप वाले क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, इसके साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर के साथ यह स्मार्टफोन आएगा। तो यह स्मार्टफोन एक अच्छे कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है, तो इससे हम अच्छी इमेज और वीडियो क्वालिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अब इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यह स्मार्टफोन 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जिसके सेंटर में पंच होल कटआउट में सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो इसमें फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट ने इसके फ्रंट की फोटो टीज की है, जिसमें इसके फ्रंट में ना तो कोई नोच देखने को मिल रही है और ना ही कोई पंच होल देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह स्मार्टफोन सेंटर में पंच होल वाले डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जो कि 6.7 इंच की एक बड़ी साइज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। तो इसके डिस्प्ले को लेकर आपका काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा। वहीं अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में, जो कि इसकी मेन हाईलाइट होने वाली है। यह स्मार्टफोन 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है, जिसको चार्ज करने के लिए 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज यह स्मार्टफोन भी सेम 7000 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जो हमें गैलेक्सी M51 में देखने को मिलती है। तो यह सैमसंग का एक और स्मार्टफोन होगा जिसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी होगी। इसके अलावा यह स्मार्टफोन टाइप C2C चार्जिंग केबल के साथ आएगा और इसमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो गाइज यह स्मार्टफोन एक्सिनोस 9825 के साथ आने वाला है, जो कि 7nm की प्रोसेस पे बना हुआ फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जिसको हम लास्ट ईयर गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस के साथ देख चुके हैं। तो यह 7nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस वाले चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग काफी पावरफुल और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और इसमें तो ऑलरेडी 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, दैट मीन्स इसमें आपको बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस दोनों काफी कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस प्रोसेसर को एक्जिनोस मोडम 5100 के साथ लाने पर यह 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। तो अब यह देखना होगा कि सैमसंग इसे 4G कनेक्टिविटी के साथ ही लॉन्च करता है या फिर 5G सपोर्ट के साथ लाता है, जहां दोस्तों इसके बेस वेरिएंट में 6GB की रैम होगी और यह 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ होगा और यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 और One UI 3 के साथ आने वाला है। तो गाइस सैमसंग इसे काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ लाने वाला है, जो कि एफ सीरीज का एक काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा। तो अब इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो अभी फ्लिपकार्ट ने इसको टीज करना स्टार्ट कर दिया है, तो यह 14 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जहां इसका प्राइस 25,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी गैलेक्सी F62 की सभी डिटेल्स। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको ऐसे ही टेक वीडियोस मिलते रहें। हम मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।